टीम का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए संभाषण शैली जो है वो कैसे होना चाहिए, उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। टीम को लीड करना है और टीम का परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो अपनी संभाषण शैली या संभाषण कौशल्य या कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। एक तो क्या है, टीम से यदि हमको परफॉर्मेंस निकालना है, काम निकालना है, तो हमारी भाषण की शैली, संभाषण की शैली थोड़ी आक्रामक होना भी बहुत जरूरी होता है। असर्टिवनेस स्किल्स और आक्रामकता थोड़ी सी, और आक्रामकता जो है उसको एजरेटिव अपन बोल सकते हैं, एजरेटिव स्किल्स। तो उसमें साम दाम दंड भेद सबका वापर यहाँ किया जा सकता है, ये भी कर्मचारियों को मालूम होना जरूरी है। एक तो क्या होता है कि कुछ स्किल्स जो है, संभाषण कौशल्य जो है या कम्युनिकेशन स्किल जो है, वो नेचुरली सबको, कुछ लोगों को या सबको अच्छे रहते हैं। मतलब अच्छे भाषण करते हैं, अच्छे बोल सकते हैं, उनको जो बोलना हो कम्युनिकेट कर सकते हैं। मगर कुछ लोग ऐसा है कि उनको बस नहीं आता है, तो वो सीखते हैं, है ना, और वो सीख के फिर मतलब उसमें पावरफुल हो जाते हैं संभाषण में। तो ये देखना है कि हमारा यदि बहुत ज़्यादा आक्रामक रहा संभाषण, बहुत ज़्यादा एसर्टिव रहा, डिमांडिंग रहा, ऑर्डरिंग रहा और बहुत प्रेशर डालने वाला रहा, तो फिर काम होगा नहीं, फिर लोग काम नहीं करेंगे। आप जब तक खड़े हैं तब तक काम करेंगे, आपका मुंह उधर गया कि भाई इधर काम करना बंद कर डालते, और आपके पीछे गालियाँ भी मारेंगे कि भाई कैसा मालिक है। तो उनको बहुत डांट फटकार करके, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा एसर्टिव और बहुत ज़्यादा चिल्ला चीखी करके कुछ काम होता नहीं है। एक तो अच्छे रिलेशनशिप होना जरूरी है, कि बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी जरूरी है। यदि आपकी रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा आक्रामकता है तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। तो मेरी संभाषण शैली जो है वो एकदम ऐसी होना चाहिए कि मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी मेंटेन होना चाहिए, और मेरे रिश्ते अच्छे हैं कर्मचारियों से, और उसके साथ साथ कर्मचारी फिर रिजल्ट भी दे रहे हैं, तो रिश्ते भी अच्छे हैं। क्योंकि जहाँ अच्छे रिश्ते हैं, हमारा बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, कुछ डांटता नहीं है, कैसा भी रहो, टाइम पे गया नहीं गया तो भी कुछ बोलता नहीं है। यदि वहाँ बहुत ही छूट दी जाती है, ढीला कारोबार है, तो वहाँ रिजल्ट आएंगे नहीं। तो बहुत ही ढीला छोड़ के भी होता नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल के भी होता नहीं, बीच वाला होना जरूरी है। मतलब रिलेशनशिप भी अच्छी मेंटेन होना, जो संभाषण कौशल्य से होता है, और इधर रिजल्ट भी अच्छे होने को होना, जो परफॉर्मेंस से होते हैं, मतलब एक्शंस लिया तो होते हैं। तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये मिलाना है, तो आपकी शैली जो है वो प्यार भरी होना चाहिए। मतलब आदरयुक्त डर, लोगों के मन में, स्टाफ के मन में आदर भी है, रिस्पेक्ट भी है और डर भी है, इस तरह का। और वो कब होगा, जब आप डिमांड करते हो और प्यार भी देते हैं। गलती हो गई तो वहाँ डांट भी देंगे, वहाँ बताएंगे ये गलती है, और अच्छा काम किया वहाँ प्रशंसा भी होती है, और बाकी समय जब काम पे नहीं तो प्यार भी होता है। तो रिलेशनशिप भी अच्छी मेंटेन करना और रिजल्ट अच्छे लाना, ये दोनों मतलब कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। तो ये संभव तब है ना, जब आपकी आपके मतलब बोलने की तरह कम्युनिकेशन, फिर आपका प्यार है, आप अपने वर्ड को ऑनर करते हैं, उनसे आप वर्ड लेते हो, और आप रिजल्ट्स टाइम डिस्टेंस फॉर्म में लाते हो। टाइम डिस्टेंस फॉर्म मतलब ये समय पे इतना काम इस तरह का होगा, और वो होता नहीं तो उसका इम्पैक्ट है। तो रिजल्ट्स के लिए आप उनको टारगेट्स देते हो, गोल सेट करते हो, और गोल सेट टारगेट सेट करके उनसे रिजल्ट्स लेते हो, और एट द सेम टाइम आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी रहती है। ये नहीं रहा, रिलेशनशिप अच्छे होने के लिए एसर्टिव स्किल्स, लविंग स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। तो आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, और आपकी रिलेशनशिप भी आपके कर्मचारियों के साथ में बहुत अच्छी रहेंगी। एज ए टीम लीडर आप सक्सेसफुल होंगे, टीम आप अच्छी चलाओगे, और रिजल्ट अच्छे आने से आप जहाँ काम कर रहे हो वो एंटरप्राइज भी ऊंचे लेवल पे जाएगा। जब भी अच्छा लगा तो सभी बिजनेसमैन को शेयर करो, ताकि टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा वो कर सके। थैंक यू वेरी मच।